अबू धाबी नाइट राइडर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पहली बाउंड्री लगती हुई, लाइन से भटक गए ना, उन्होंने सोचा ये सामने निकल कर मारेंगे, जोर से मारेंगे, छोटी ही डाल दी गेंद। ये इतनी सी गलती थी और उतना ही गलती काफी था माइकल पेपर को उसका फायदा उठाने का। कैसेट की कॉल तो है क्योंकि ठीक से टाइम हुआ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतना था उसमें कि गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। जी चेंज करने के लिए मजबूर करिए आप, वैसे तो पाले में थी और ये खड़ी भी हो सकती थी गेंद, पर गई है बाउंड्री तक। स्काई 247.net सुपर फोर माइकल पेपर के लिए पहली के उसी तरीके से गेंदबाजी चल रही है। अब देखिए फिर शुरुआती में चौका मिल गया, छिड़ी होती है ना, आप अपने गेंदबाज को क्यों नहीं उस वक्त बैक करते हैं? आप बल्लेबाज क्या कर रहा उसके हिसाब से अपनी फील्ड क्यों सजाने लगते हैं? अब पेपर आए हैं, उन्होंने कुछ शॉटें लगा दी हैं, स्लिप हट गई, मिड विकेट पे आ गई, बेहतरीन शॉट। स्काई 247.net सुपर फोर। या उनके सामने जो खड़े हैं माइकल पेपर बिल्कुल ही कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे, वो कहेंगे चलने दीजिए, आने दीजिए, हमें रन्स बोर्ड पे डालने जरूरी है और अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे डालने जरूरी है जब तक ये गेंद नहीं है। गेंदों का सामना किया है, इस बार स्वीप किया, रन्स आएंगे, पहले गेंद पर चौका आ गया। यहाँ पर जो दबाव वैंडरमार्फ पे को चौका लगता है तो फिर आप अगले पांच गेंद में विकेट के बारे में नहीं, रन बचाने के बारे में सोचते हो। कि पेपर ने जो शुरुआत दी है 32 रन, बढ़िया शॉट, यहाँ चार रन मिलेंगे। जी हाँ, जैसे आप कह रहे थे सभा की जिस तरह की शुरुआत दी है पेपर ने उसका फायदा उठाना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि अनिशान शर्फू, देखिए जो इनिंग्स पेपर ने खेली ना, मुझे लगता है कि ये T20 का टेम्पलेट ये होना चाहिए। आप 15-20 बॉल खेलो लेकिन स्ट्राइक रेट 180-220 के आसपास होना चाहिए। पेपर उनके पीछे टूट पड़े, जोखला का अच्छा शॉट, बहुत ही शॉर्ट बॉल डाल दी थी जिसका फायदा लिया यहाँ पर क्लार्क ने, शानदार तरीके से ये शॉट लगाया मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से चार रन के। शायद इस शॉट से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इनके पारी में, इनके बैटिंग में। अब तक जो फ्लो, ये फिर से बहुत ही शानदार शॉट खेला है, फिर से मैं इस वजह से कह रहा हूँ इसी तरह से जो क्लार्क को भी खेलना चाहिए था, नीचे रखा, अंतिम गेंद पर चौका मिला 55-2 के बाद। कैच इट का कॉल है पर शॉट सही लगाया है यहाँ पर, फ्लाइट में बीट हो गए थे पर चूंकि स्टेप आउट हो गए थे अपने आप को कंट्रोल करके ये शॉट लगा दिया। पर इस बार सागर कल्याण ने ललचाया था यहाँ पर, स्टेप आउट किया इनसाइड आउट कवर के ऊपर से, शानदार शॉट ये सागर कल्याण का। और रन मिलेंगे, तेज गति गेंद भांप लिया था, बल्ले का चेहरा खोला, गति का इस्तेमाल किया, चार रन मिलते हुए लॉरी वंस को, अहम रन है नाइट राइडर्स के लिए, जरूरत भी है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई थी अपने लिए ये शॉट खेलने के लिए, लाइन इतनी बुरी थी नहीं और सीम पे रिलीज भी की थी वो गेंद, लाइन से खेल दिया वो शॉट। और ये शॉट देखिए, जबरदस्त फुटवर्क, कदमों का इस्तेमाल किया, ओवर की समाप्ति, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई है, 10 रन ओवर से 74-4। कदमों का इस्तेमाल किया, क्लियर किया, अच्छा फुटवर्क और यहां मिलेंगे चार रन, 10 ओवर की समाप्ति 81-4। और इंप्रोवाइज किया यहां पे, कनेक्शन बढ़िया, नतीजा चार रन, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। ये तो बड़ा कंट्रोल में थे ये शॉट खेलते हुए, बड़ा नियंत्रण में ये शॉट खेला इन्होंने। बोलते इनके नाम, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही कड़क शॉट, चार रन और, बहुत अच्छा खेलते हैं लॉरी एवंस बैकफुट पे, जो भी मौका मिल रहा है पूरा वार कर रहे हैं, करते हैं ना। सबसे ज्यादा तारीफ होती है प्लेसमेंट की, और प्लेसमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अच्छे शॉट का क्या फायदा अगर वो सीधा फील्डर की तरफ चला जाए, तो वो फील्डर के दाएं या बाएं ओर से गेंद को भेजना ये काम है। आते सीधे बैट से, वाह भाई वाह, बहुत ही आला,
चार रन मिलेंगे यहाँ पे इमाद वसीम को। अभी आपको पिछली गेंद पे विकेट मिली है, नया बल्लेबाज आया, आपने लेंथ लेकर आगे चले गए कि शायद एक और मिल जाए, उस लेंथ पे गेंद स्विंग तो कर नहीं रही है। ओ फंस गए थे यहाँ पे, बाल बाल बचे, ये बेहतर था, ये बेहतर था, पर चार रन और मिलते हुए यहाँ पे वो अलग बात है, लेकिन ये लेंथ बिल्कुल सही है। देखिए खिंची हुई लेंथ भी है, सीम पे भी गेंद चल रही थी। अब ये जो अंदरूनी किनारा लगता है ना, कभी कभी ये गेंद स्टंप की तरफ भी चली जाती है, लेकिन आज जो भाग्य ने साथ इमाद वसीम का दिया है। लॉन्ग ऑन पीछे, अच्छा शॉट ये, पर अगर आपने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे कर दिया तो फिर छोटी गेंद क्यों डाली, क्योंकि शॉट थर्ड अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट अंदर है, आसानी से चौका मिलाया। कैसे टाइम करके इसको छोटे दायरे के अंदर से ऊपर से मारने में कामयाब रहा। एक बार पहले भी दो बल्लेबाजों ने ट्राई की थी, लेकिन उन्होंने सीधा विकेट कीपर को ढूंढ लिया था। ये शॉट सही खेला है, छोटी गेंद डाली थी, मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया, अंतिम गेंद पर चार रन मिला डेविड विली को। फील्डर ऊपर आया था और उसका फायदा उठाया, चार रन। ये जो दिशा है सही नहीं है इनके विरुद्ध, पांच बार आउट जरूर किया है, पर यहाँ पे अभी तक जीत हो रही है रसल की। क्योंकि दिशा ठीक नहीं है इसलिए दशा ठीक नहीं है, और एक बार फिर वही गलती कर दी। देखिए आप उनके शरीर के करीब आ गए लाइन को लेकर, वो भी तब जब फाइन लेग और स्क्वायर लेग। इस एडिशन का जी हाँ सबसे महंगा ओवर, क्योंकि ये गेंद निकल गई है, गैप भेद लिया है चार रन मिलते हुए, यानी कि 31 रन इस ओवर से 162 पे साथ। और उठा के खेला है सीधे बैट से, बढ़िया शॉट, बढ़िया इरादा, क्योंकि अक्रॉस द लाइन नहीं गए, पूरा बल्ले का चेहरा दिखाया, नतीजा चार रन। अटैकिंग फील सुनील नारायण की, इस बार कुछ ज्यादा ही ड्रिफ्ट कर गए ऑन द पैड्स, बेन डंक का बल्ला चला वो भी शानदार तरीके से, संपर्क कितना अच्छा हुआ, चौका आया यहाँ पर बेन डंक के लिए, और यहाँ तो एक तोहफा दे दिया आपने। कुछ खास करना नहीं होता है, कोई भी विश्व क्रिकेट का मैंने बल्लेबाज आज तक नहीं देखा जो पांव पे ये शॉट ना खेल पाए, बड़ी आसानी से खेलते हैं आप ये शॉट। प्रयास किया था इस बार गैप में, यहाँ पे चार रन की छाप लगी हुई है, दौड़ने की आवश्यकता नहीं, ओवर अच्छा रहा डेविड वॉर्नर के लिए, 18 रन इस ओवर से आते हुए 39 पे 3 स्ट्राइक पे। और ये देखिए ये काबिले दिन किया, गैप में खेला, और कहते हैं ना अच्छा खिलाड़ी हमेशा वो जो गैप है उसको ढूंढ लेता है, प्लेसमेंट बताने के लिए ये सबसे मेन प्लेयर है मेरे नजर में। और सीधे बैट से आज एक मन बना के आए हैं, ठान के आए हैं, मिलेंगे चार रन, कुछ ही गज गेंद अंदर गिरी है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो साझेदारी है थोड़ी देर टिकी रहे वॉर्नर और रजा की। बढ़िया शॉट खेला ये, और इस शॉट का ये काफी अभ्यास भी करते हैं डेविड वॉर्नर। और वो जो छक्का मारा ना उसके बाद बल्ले पे बॉल बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है डेविड वॉर्नर की। एक और पहली गेंद पे इन्होंने बाउंड्री लगाई थी ना, वो लाइन ज्यादा बेहतर थी। भाग्यशाली हैं जिस तरह से खाता खोला, नया बल्लेबाज आया है, क्यों नहीं स्लिप ले लेते इस वक्त, 67 पे 6 पे अगर आप स्लिप नहीं लेंगे तो कब लेंगे। ये खाता खोला है इस शॉट से, लो से हाई पे हमारा लोग बचा है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी उनको जो है चौका लगा है, लेकिन सो फार हमने बल्लेबाजी में देखा उन्होंने कमाल किया। वैसे देखा मैंने ये चीज देखी कि एडीकेआर के जो फैंस होते हैं ना वो बटे हुए होते हैं जब दुबई कैप। इस बार गैप में चार रन, आज होल्डर का बल्ला बोल रहा है। ये क्लासिक कवर ड्राइव है जेसन होल्डर का, शानदार रहती है, बॉल के लाइन को कवर कर लेते हैं, बॉल के पिच तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद
शानदार स्विंग देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वही हमें नजर आया, पेपर के साथ वही हुआ। और इस बार रोक नहीं पाएंगे, अंदरूनी किनारा वैंडमोफ के बल्ले से चार रन, थोड़ा भाग्य के साथ मिल रहा है जो आवश्यक भी रहता है। एक और स्काई 27247.net4 ये नोची गेंद यहाँ पर रसल की, कैचेस ओ चौका मिल गया यहाँ पर, बल्ले में लगी जरूर अंदरूनी किनारा पर चूंकि गति थी और इसी वजह से यहाँ पर चार रन मिल गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, आपने बिल्कुल सटीक यॉर्कर का डाला था, अब भाग्य अगर साथ दे दे बल्लेबाज का तो आप क्या कर सकते का? बिल्कुल सामने खेल दिया है, लेकिन अब बाउंड्री आते आते बहुत देर हो गई है, बहुत है, एक आध बाउंड्री से कोई फर्क पड़ना नहीं। हालांकि यहाँ पे वो सीधे बैट से स्ट्रोक खेला था, सोच ये थी कि बिल्कुल सीधा खेला जाए, हमेशा वो चांसेस जो रहते हैं।